बनाए, मन में भाव रखकर कि हमारे घर तो श्री राम का जन्म हो रहा है, उनकी जन्मोत्सव मना रहे हैं। देखिए भक्ति के कई स्तर हैं। भक्ति में कहा गया है कि अपने आराध्य देव को अपने माता पिता तुल्य। कुछ माताएं ऐसी हैं भाववश अपने संतान स्वरूप मानकर भगवान की पूजा करते हैं। प्रेमी प्रेमिका की तरह मानकर भी पूजा किया जाता है। नवधा भक्ति में बड़ी इसकी विस्तृत जानकारी है, लेकिन उस पर विस्तृत अभी जाना तो विषयांतर हो जाएगा। तो क्यों ना एक समय यह भी है कि जब भगवान राम का जन्म हो रहा है शिशु रूप में, और जब हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान का जन्म हो रहा है, तो उस भगवान के जन्म को एक शिशु की तरह मान ले। हम क्यों ना माने कि हमारे घर में एक बालक का जन्म हो रहा है, वो श्री राम का जन्म हो रहा है। तो जब भगवान का जन्म होता है तो हमारे घर में एक बालक का जन्म हो रहा है, ऐसे भाव से हम भगवान का स्वागत करें। 21 तारीख को भगवान का जन्म होना है, हम भगवान का स्वागत करें, क्षमा चाहेंगे। क्षमा चाहूंगा, भगवान के स्वरूप में मैं थोड़ी भावना में भाग गया, थोड़ा मैं भावुक हो गया। भक्ति के कई स्टेज हैं, मैं बता रहा था नवधा भक्ति में। श्री राम की जब चर्चा करते हैं तो भगवान की बात आती है, श्री राम न तो किसी जाति की बात, न धर्म की बात, न संप्रदाय की बात, न व्यक्ति के अमीरी गरीबी के स्तर की बात होती है, वैसे श्री राम की बात हम कर रहे हैं। हमारा भारतवर्ष कितना विशाल, कितना